हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 1 जून 2024 और आज की 11 अपडेट्स आप सभी के लेकर यहां पर आ चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। 4 लोकसभा 6 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 से शाम 6 बजे तक डलेंगे वोट। आज हिमाचल के वोटरों की बारी, आपको तोड़ना है अपना ही रिकॉर्ड। 2022 में रिकॉर्ड 75.78% हुआ था मतदान, इस बार 76% से अधिक रखा है लक्ष्य। 57,11,969 कुल मतदाता, 62 प्रत्याशी, 1,71,675 युवा मतदाता। तो ये पूरी यहाँ पे डिटेल बताई हुई है। और हिमाचल लोकसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी, अंतिम चरण में 57 सीटों पर आज होगा मतदान। एग्जिट पोल आज शाम 6:30 बजे, बहस में कांग्रेस नहीं होगी शामिल। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में आज बारिश अधड़ का अलर्ट। मंडी, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन और कांगड़ में लू ने लोगों को किया परेशान। आज 8 स्थानों पर 40 डिग्री से ज़्यादा रहा अधिकतम पारा, नेरी में 45 से हुआ पार। प्रदेश में गर्मी से राहत की आस, 2 से 6 जून तक 8 जिलों में बारिश के आसार। धधक रहा सूरज कानपुर व मथुरा में 48.2 डिग्री। नेक्स्ट अपडेट ये रही, आज खुले रहेंगे स्वास्थ्य संस्थान, स्टाफ को अलर्ट रहने के निर्देश। ओपीडी नहीं चलेगी, आपात स्थिति में मिलेगा प्राथमिक उपचार। मतदान केंद्र के साथ वाले अस्पतालों को किया सतर्क। एम्स बिलासपुर में आज ओपीडी सेवाएं रहेंगी बंद, एम्बुलेंस को भी हाई अलर्ट पर रखा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 6 IAS और 14 HS अफसर गए, अन्य अधिकारियों को सौंपे विभागों के अतिरिक्त कार्यभार। अन्य राज्यों में मतगणना के लिए 20 अफसर रवाना, कामकाज को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, कालका शिमला ट्रैक पर सभी ट्रेनें पैक, ट्रेनों में सफर कर रहे पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, दिल्ली के अधिकांश सैलानी। सामान्य डिब्बों में खड़े होकर सफर कर रहे हैं सैलानी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, CPAT में आवेदन करने की तिथि 2 जून तक बढ़ी, CIPET होगा ये, ठीक है। तो नालागढ़ उपमंडल के 32 स्थित केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान CPAT में विभिन्न डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा 9 जून को होगी। ओके, और प्रवेश के लिए आवेदन अंतिम की तिथि पहले 31 थी, अब उसे 2 जून तक बढ़ाया गया है। 14 जून को इनकी काउंसलिंग होगी और अगस्त के प्रथम सप्ताह से पाठ्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, अग्निवीर भर्ती पहले चरण की परीक्षा का परिणाम घोषित। दूसरे चरण की 28 जून से 8 जुलाई तक होगी कांगड़ा और चंबा के अभ्यर्थियों की भर्ती। नेक्स्ट अपडेट ये रही, NIT में MTech, MArk, MSc कार्यक्रमों में प्रवेश शुरू। तो बात हो रही है NIT यहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट ये रही, इकडोल यानी कि ICDOL ने UG विद्यार्थियों के लिए दोबारा बढ़ाई पंजीकरण की तिथि, यानी कि रजिस्ट्रेशन UG वाले छात्र कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे पुनः पंजीकरण फीस जमा करने की लेट फीस के साथ अंतिम तिथि बढ़ाई गई है, तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, SPU की PG UG कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी। 27 मई से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे छात्र छात्राएं, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप 27 मई से डाउनलोड कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बाकी जब आएगा वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। 9 से 19 जून तक होंगी परीक्षाएं और ये प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। किसकी किसकी अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। और इसका ऑफिशियल शेड्यूल भी मैंने अपलोड किया होगा, तो वो भी टेलीग्राम के ऊपर से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट अपडेट ये रही, HPU के इंजीनियरिंग संस्थान की 395 सीटों के लिए 1635 आवेदन। बीते सत्र के मुकाबले 126 आवेदन कम, बीटेक में प्रवेश के लिए कड़ी रहेगी प्रतिस्पर्धा। 3 दिन में विद्यार्थी अपने आवेदन फॉर्म में लॉगिन कर ID से कर सकेंगे सुधार। इसके अलावा BCA BBA कोर्स की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित जो है HPU ने कर दिया है। तो ये दोस्तों थी आज की अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।